और बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में एमवीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। सीट बंटवारे पर आज होगी महाविकास आघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और 110 से 115 सीटों पर लड़ सकती है कांग्रेस। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। 90 से 95 सीट पर चुनाव लड़ सकती है उद्धव ठाकरे की शिवसेना और महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक है, ये संजय राउत ने कहा है। और महाविकास आघाड़ी की बैठक के बाद कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। जो ग्रुप है काम करने वाला निगोशिएशन का, उनमें से मुझे भेजा था कि पवार साहब के साथ बात करने के लिए और उनके क्या मन में उनके क्या है वो चर्चा करने के लिए गया था। तो बहुत सारी बातें हुई है, माननीय जयंत राव जी वहाँ थे, बहुत सारी बातें हुई, बहुत इसमें हम आगे गए हैं, अच्छा ठीक से हो रहा है सब। और महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारा, जी हां, फाइनल हो गया है फॉर्मूला, लेकिन कई सारी बातें आशंकाएं अभी भी व्यक्त की जा रही है। देखिए, अगर इस गणित को समझे तो कुल सीटें 288 हैं, कांग्रेस 110 से 115 सीटों पर लड़ सकती है, उद्धव गुट को 90 से 95 और एनसीपी शरद पवार गुट को 75 से 80 सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिल सकती हैं इस सेटलमेंट के तहत। तो ये है फॉर्मूला महाविकास आघाड़ी के सीट बंटवारे का। और सीट बंटवारे पर ऐलान से पहले संजय राउत का बयान, सब चाहते हैं कि शिवसेना को सेंचुरी मारनी चाहिए। आज शाम महाविकास आघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तीनों पार्टी के प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे, आज हम लिस्ट जारी करेंगे। और जिस तरीके से एक सेटलमेंट तक पहुंचा महाविकास आघाड़ी में तमाम नेता पहुंचे हैं, ये अपने आप में एक दिलचस्प इक्वेशन दिखाता है। जयशंकर सर, ये जो बंटवारा हुआ है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस को इसमें अपर हैंड साफ तौर पे नजर आ रहा है, यानी ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिली है, लेकिन बहुत ज्यादा गैप शिवसेना या एनसीपी या कांग्रेस के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। 10-15 सीटों के गैप के साथ सभी दावे ठोक रहे हैं। नहीं, इसमें कोई बहुत ये नहीं है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भी जो सीटें मिली थी कांग्रेस को, ज्यादा सीटें मिली थी, कांग्रेस ने ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में लीड भी बनाई थी, तो मेरे ख्याल से शायद उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को कुछ ज्यादा सीटें दे रहे होंगे लोग। लेकिन सबसे अहम सवाल अभी ये होगा यहाँ पर कि यहाँ एमवीए ही लड़ेगा या इंडिया अलायंस लड़ेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के भी दो विधायक वहां पर हैं और उन्होंने 12 सीटें मांगी है, लेकिन 5-7 सीटों पे मेरे ख्याल से वो लोग एग्री कर सकते हैं। तो अभी तक तो उनके बारे में कुछ नहीं है, क्या ये एमबीए के दल अपने कोटे से उनको कांग्रेस को कुछ सीटें देंगे, ये अभी तय नहीं हो पाया है। उसी तरह से पिछले चुनाव में विधानसभा के बहुजन विकास आघाड़ी जो प्रकाश अम्बेडकर का है या असदुद्दीन ओवैसी की जो एएमएम है, दोनों ने बहुत बड़ा खेल किया था, उसके चलते भाजपा और शिवसेना को वहां पे लीड मिल गई थी, कांग्रेस को बहुत सारी सीटें, खासतौर से निजाम वाले इलाके में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, मराठवाड़ा जो औरंगाबाद के आसपास जो तेलंगाना से लगे हुए इलाके हैं। तो अब सवाल है कि इन लोगों को ये लोग एकोमोडेट करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके अलावा फिर कई किसान संगठन है, सेतकारी कामगार पक्ष है, ये सारे लोग भी रहते हैं, मतलब एक तरह से भाजपा या एनडीए के विरुद्ध में ही रहते हैं, लेकिन उनको ये इंडिया अलायंस का हिस्सा बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा? बिल्कुल, यानी इंडिया अलायंस के चुनाव में उतरने को लेकर ये सारे सवाल जरूर हैं। पार्टियों का अपना अपना रुख तो है ही, लेकिन रामकृपाल सर, अब बात ये आती है कि उद्धव ठाकरे के लिए ये एक तरीके से देखिए कि जब पार्टी टूटी और दो धड़े हुए सीधे तौर पर, उसके बाद से ये दूसरा बड़ा चुनाव है, तो यूबीटी के लिए ये जो चुनाव है ये कितने अहम है, इसमें जीत हासिल करना, अपने आप को स्थापित करना, अपने आप को असली वारिस दिखाना, और दूसरा ये कि 100 सीटों की डिमांड उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से की जा रही है? देखिए, जैसा कि अभी तक जो सामने आ रहा है, मुझे लगता है कि बिल्कुल कांग्रेस का हक बनता है। और देखिए, लोकसभा चुनाव में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट एनसीपी का था, उसके बाद कांग्रेस का था और तीसरे नंबर पर शिवसेना का था। आप किसी भी दृष्टिकोण से देख लें चुनाव के, कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में बहुत जमाने तक विधानसभा में, वहां उसकी कांग्रेस में, ये महाराष्ट्र में उसकी सरकार रही है। और अब उद्धव ठाकरे ग्रुप अगर ये सोचता है कि कांग्रेस से ज्यादा सीटों पर वो लड़ें विधानसभा में, और तो मुझे लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही, एक तरह से मैं ब्लैकमेलिंग तो नहीं कहूंगा,
लेकिन ये अनावश्यक दबाव वाली राजनीति थी। अब जैसे संजय राउत का कहना है कि हमको सेंचुरी मारना चाहिए, यानी 100 सीटें जीतेंगे, तो भैया 100 सीटें पहले लड़ने को तो मिले तब तो जीतेंगे 100 सीटों पर। तो देखिए, ये जो दबाव की राजनीति है, मुझे लगता है अल्टीमेटली न शरद पवार उसमें आए, न कांग्रेस उसमें आ पाई है, और अल्टीमेटली उद्धव जी के सामने एक मुश्किल है कि जो सोच करके वो पाला बदले थे, आज की तारीख में क्या होगा। आप कुल मिला के ठीक है, एनसीपी से थोड़ी ज्यादा सीटें आपके, कह सकते हैं आप नंबर 2 हैं, लेकिन अब ये दूर दूर तक जान लीजिए कि पहले तो ये जो जीत थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए, यानी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए, वो नहीं माना गया। कांग्रेस नंबर 1 की पार्टी है, जी नंबर 1 की सीटें उसको मिली हुई है, और जाहिर सी बात है अब तो चुनाव के जो परिणाम आएंगे तो क्या होगा। लेकिन जैसा जयशंकर जी ने कहा कि इंडिया अलायंस लड़ रहा है कि महाविकास आघाड़ी लड़ बिल्कुल, रही है, ये मैं बहुत ही तो ये दिलचस्प कहूंगा कि जब से पॉइंट जयशंकर सर ने उठाया कि वाकई नहीं, में मैंने इसलिए जी जी बस एक बात और कह लूं, मैंने बहुत पहले लोकसभा के समय जब इंडिया अलायंस बन रहा था तभी मैंने कहा कि लोकसभा में तो सारी क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो मान जाएंगी, क्योंकि उनका अपना कुछ नहीं जा रहा है, न वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इंडिया अलायंस की असली परीक्षा होगी विधानसभा चुनावों में, और आप हरियाणा में देख लीजिए क्या हुआ, वहां इंडिया अलायंस नहीं लड़ा, वहां पार्टियां लड़ी, और महाराष्ट्र में भी पार्टियां ही लड़ेंगी, इंडिया अलायंस कहीं नहीं। कांग्रेस के हारते ही इतनी खुशी की लहर दौड़ गई टीएमसी में, और सामना में लेख तुरंत लिखा गया कि कांग्रेस सिर्फ इसलिए है कि कांग्रेस को दबाया जा सके। तो जब आपके हार, कांग्रेस की हार पे अलाइज खुश होते हैं, तो विधानसभा ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये सवाल है, और अगर पार्टियां अपने अपने एजेंडे के साथ चुनाव मैदान में उतरती हैं तो इसके नफे नुकसान भी होंगे। हरियाणा उसका एक एग्जाम्पल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।